हाय एवरीवन, मैं हूँ पुनीत शर्मा। आज चर्चा का विषय जो मैंने चुना है वो है कि क्या रीज़न्स होते हैं कि लोगों के पास अच्छे रिश्ते ही नहीं आते, या अगर रिश्ते आ जाते हैं तो वो मटेरियलाइज नहीं हो पाते, तो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती, और मैरिजेस के योग होने के बावजूद भी जन्मपत्री में दशा अंतरदशा दिखा रही है कि शादी इस समय में हो जाएगी, लेकिन संयोग जो हैं वो इतने ढीले होते हैं कि अगर हुए रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो किस तरह से इसे देखा जाए, ऐसे कौन से कारण हैं जो बनते हुए कामों को बिगाड़ रहा है, या आपको आपके लड़की के मन के मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा, या आपको वो लड़का पसंद ही नहीं आ रहा, आपको लगता है कि आपको इससे बेहतर कंपेटिबल जो है एक वर मिलना चाहिए, तो समाज में सबसे पहले देखा क्या जाता है, अच्छे रिश्तों का आना, उसके बाद उनका मटेरियलाइज होना, और उसके बाद शादी का सुचारू रूप से होना, और उसके से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, वो होता है कि आप किस तरह से आपकी लाइफ में एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जो क्वालिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टार्स, बट सबसे पहले इनिशिएट कैसे करें, किस तरह से संजोग जो बने हुए हैं उन्हें मैनिफेस्ट करें, उसके लिए जो वास्तु है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। अगर वास्तु दोष किसी घर में है तो हो सकता है कि मन के मुताबिक रिश्ते ना आए, क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे रिश्तों के आने के लिए। ईस्ट डायरेक्शन जो है इसे अगर आप चेक करते हैं डाउजिंग करके, या देखते हैं कि यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट्स ना हो, एंटी कलर्स ना हो, एंटी मेटल्स ना हो, एंटी शेप ना हो, अगर वहाँ पे है तो उन चीज़ों को हटा दीजिए। उनको हटाया जाता है और उसके बाद में उसे ठीक किया जाता है। इसके बाद में आपकी कोई भी चीज़ को इनिशिएट करने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है साउथ के डायरेक्शन का। साउथ जो होता है ये हमारे नेम फेम का भी होता है और मंगल कार्यों का भी होता है, तो साउथ के डायरेक्शन। उसके बाद में साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो दाम्पत्य सुख उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करती है। तो कम से कम हमें ये तीन डायरेक्शन जो हैं, ईस्ट से लेके ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, और उसके बाद में साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शंस के अंदर चेक करना होता है कि कहीं पे कोई अवरोध तो नहीं है, या कोई कट या कोई एक्सटेंडेड जोन तो नहीं है, या यहाँ पे कोई ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है जो वास्तु को प्रभावित कर रहे हों। तो इन्हें चेक करने के बाद में अगर इन वास्तु दोषों को संतुलित कर लिया जाए तो शादी के संजोग खुल जाते हैं। इसीलिए वास्तु की जो अपनी इम्पोर्टेंस है उसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी भी तरह से इसी सब्जेक्ट को लेके किसी समस्या से ग्रसित हैं, या आपको भी लग रहा है कि आपके घर में जो भी रिश्ते मन के मुताबिक होने चाहिए नहीं हो पा रहे, या रिश्ते आ ही नहीं रहे, तो आप अपने घर का वास्तु जरूर चेक करवाइए, और इन डायरेक्शंस में जो भी अवरोध पैदा करने वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें रिमूव करवाइए, और आप वास्तु दोषों के शमन के लिए जो भी आपको सजेस्ट किया जाता है उसको आप जरूर कीजिए। इसके बाद ही आप अपने मन के मुताबिक घर के अंदर अच्छे रिश्ते आते हुए देखेंगे और उनकी मैनिफेस्टेशंस भी हो जाएगी। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ साथ में ये भी बताना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप किस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, और किस तरह के वास्तु समाधान आप हमसे चाहते हैं। कस्टमाइज्ड अगर वास्तु किया जाता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। उसके साथ साथ में अगर हम वास्तु अवलोकन के बाद में वास्तु को करेक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अतिशीघ्र मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कंसल्ट कीजिए, सेशन बुक कराइए, और 9899289135 पे हमें कॉल करके आप प्रायर अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आप सब खुश रहें और आपकी लाइफ में जो अवरोध हैं वो ख़त्म हो, इसी कामना के साथ मैं अब विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।